पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक के लिए कैबिनेट पहुंची मंत्री अनमोल गगन मान, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ सचिवालय सेक्टर 9 में ये बैठक रहने वाली है। चंडीगढ़ के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार की संस्था राइट्स की तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री आज की इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। पंजाब में सरकार का एक साल पूरा होने के चलते संगरूर में अपने गृह में उन्होंने अखंड पाठ रखवाया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वहीं सीएम की जगह कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान मीटिंग के लिए पहुंची। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार को एक साल पूरा हुआ है पंजाब में, अब ऐसे में अखंड पाठ उन्होंने रखवाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरसिमरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, बैठक को लेकर क्या हलचल देखी जा रही है? जी दीपशिका, आपको सबसे पहले तो हम शॉर्ट से ही दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हरियाणा जो है वो पहुंच गए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा जो है अभी पहुंचे हैं। हालांकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो नहीं आएंगे इस मीटिंग में, तो आपको पहले तस्वीरें हम दिखा दें। ये काफिला जो आप देख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं यहाँ पर सचिवालय में इस मीटिंग के लिए। जैसा कि आज चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा बुलाया गया था, इन सभी को आज बातचीत के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी के ऊपर जो है ये चर्चा होनी है और इसको लेकर के आज मीटिंग रखी गई है। पहुंचे हैं आज और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हम चंडीगढ़ के सचिवालय की, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो आज नहीं होंगे, भगवंत मान यहां पर नहीं आएंगे। और आपको बता दें कि उनकी जगह पर कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान जो हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगी और आज यहां पर वो पहुंची हैं। इसके अलावा बात की जाए तो चीफ सेक्रेटरी यहां पर पहुंच गए हैं, यूटी के मिनिस्टर जो हैं वो पहुंच गए हैं, अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँचे। वहीं पर अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंजाब सरकार को आज एक साल पूरा हो गया है, इसलिए उनके संगरूर जो कि उनका गाँव है वहाँ पर उन्होंने अपने घर पर अखंड पाठ रखवाया गया था, जिसका कि आज भोग है, इसलिए मुख्यमंत्री पंजाब यहां पर नहीं पहुंचे हैं। जी दीपशिका, बिल्कुल हरसिमरत, देखिए क्योंकि लगातार ट्रैफिक की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है चंडीगढ़ में, जिसको लेकर राइड्स की ओर से सुझाव दिए गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, लोगों की उम्मीदें भी चंडीगढ़ की कहती है कि क्या मेट्रो सिटी बन जाएगा चंडीगढ़। जी बिल्कुल दीपशिखा, आज इसी जो मुद्दे पर बातचीत होनी है कि किस तरह से ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा ताकि जो ट्राई सिटी है वहाँ से ट्रैफिक का बोझ कम किया जाए। तो बहुत सारे विचार जो हैं वो पहले भी इन पर होते रहे हैं, पर हाँ अगर मीटिंग की बात की जाए तो इस तरह की जो ये मीटिंग है पहली बार हो रही है जो कि मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है। इसमें केंद्र जो है उनकी भी एक जो टीम है रिट्स की वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देगी, तो जाहिर तौर पर एक कमेटी जो है वो बना दी जाएगी जो कि इस पर चर्चा करेगी और इस पर आगे की जो देख रेख है वो देखी जाएगी कि चंडीगढ़ में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है, तो क्या यहाँ पर मेट्रो की पॉसिबिलिटी है, क्या यहाँ पर मेट्रो चल सकती है, या फिर जिस तरह से हिमाचल में एयर बसेज चलती हैं, मोनोरेल चलती है, इस तरह से कोई कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर लाई जाएगी ताकि चंडीगढ़ में ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सके। जी बिल्कुल, तो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर यहाँ पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा अगर जिस तरीके से पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखा जाए, संभावनाओं को ध्यान में रखा जाए और मेट्रो सिटी चंडीगढ़ बन जाता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा हरसिमरत कि जो चंडीगढ़ की खूबसूरती है उसमें और भी ज्यादा चार चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल, तैयारी की जा रही है क्योंकि चंडीगढ़ को एक नहीं दो नहीं जो कई राज्य हैं वो लगते हैं, जैसे कि हिमाचल की सीमा लगती है, हरियाणा की लगती है, पंजाब की लगती है, तो इस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हो जाता है क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर चंडीगढ़ में काम करने के लिए आते हैं या फिर चंडीगढ़ से होकर दूसरी जगह पर जाते हैं, तो बीच का जो रास्ता है वो चंडीगढ़ ही रहता है और ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए और उसका एक उपाय निकालने के लिए ताकि चंडीगढ़ की सुंदरता खराब न हो, इसलिए यहाँ पर जो है आज इस बैठक को करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मेट्रो के अलावा क्या अंडरपास और ब्रिज ओवर बनाने को लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जा सकती है इस बैठक में हरसिमरत? Thank you.
जी दीपशिखा, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पहले ही 2 से ज़्यादा जो अंडरपास है वो बनाए गए हैं और वहाँ पर जो है लोग पैदल जाते हैं। एक अगर हम बात कर लें कि PGI तक जो जाता है वहाँ पर अब अंडरपास बनाने की बात हो रही है, उसके अलावा हम बात करें सेक्टर 17 में भी एक अंडरपास जो है वो बनाया गया है और बस में जो बस स्टैंड तक जाते हैं वहाँ के लिए भी एक अंडरपास है वो बनाया गया है, पर वो पैदल लोगों के लिए है। वहीं पर ट्रैफिक की अगर समस्या है उसको दूर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो गया है उसे कम किया जा सके। बिल्कुल, काफ़ी अहम ये बैठक रहने वाली है हरसिमरत, और इसी के साथ देखिए क्योंकि इस बैठक में ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो बड़े अधिकारी हैं या नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जी खास तौर पर आप बताएं कि चंडीगढ़ के जो प्रशासक और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से जो है आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें मेन जो है मुख्यमंत्री उन्होंने आना था, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आना था जो कि नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी जगह कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान आई है। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी जो है संजीव कौशल वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अलावा चंडीगढ़ के मेयर यहाँ पहुंचे हैं, चंडीगढ़ के DC यहाँ पहुंचे हैं, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी पंजाब पहुंचे हैं, जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी यूटी में थी और साथ ही हरियाणा और पंजाब में थी वो सभी यहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जो है वो गवर्नर भी आएंगे। राइट्स की ओर से कंप्रेसिव मोबिलिटी प्लान यहां पर दिया गया है, उसमें कौन कौन से सुझाव के मुख्य बिंदु हैं हरसिमरत? शुरू हो चुकी हुई है ते तीनों जिन्होंने अगुवाई दे विच मीटिंग होई सी बनवारी लाल पुरोहित जो कि पंजाब दे गवर्नर भी ने जी, आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी को लेकर जो है आज बातचीत होनी है, तो क्या इसमें रह सकता है, किस तरह से जो है ट्रैफिक को कम किया जा सकता है उसको लेकर के आज बातचीत यहाँ पर होनी है, तो मैनेज किया जाएगा, स्थितियाँ जो हैं वो देखी जाएंगी क्योंकि जैसा कि हमको पता है चंडीगढ़ में साइकिल पाथ भी हैं, पैदल पाथ भी हैं, इसके अलावा जो सड़कें हैं वो भी हैं, तो क्या सड़कों को चौड़ा किया जा सकेगा या फिर यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है बसेज की है उसके अलावा क्या कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जैसे कि हमने बात की एयर बस की, मोनो रेल की या फिर मेट्रो की, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में कनेक्टिव हो सकते हैं ताकि एक जगह से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सके। जैसे कि हमें पता है कि अगर जीरकपुर से हम शुरू होते हैं तो जीरकपुर से चलकर बीच में चंडीगढ़ और आगे जो है वो पंचकुला तक रास्ता जाता है, इसी तरह से मोहाली को कनेक्टिंग होती है, उसके अलावा आगे जो रास्ता है वो पंचकुला से होता हुआ पिंजौर की तरफ निकल जाता है, हरियाणा को कवर कर लेता है, तो इस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको किस तरह से कम किया जा सके, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 3 तरह की जो पॉसिबिलिटीज अभी निकल कर सामने आ रही है, जैसे कि मेट्रो पर बातचीत हो सकती है, एयर बस पर बात हो सकती है, उसके अलावा मोनो रेल के ऊपर बात की जा सकती है। बिल्कुल, चंडीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिव सीजन चलता है तो हमने देखा है कि रास्ते बंद करने पड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं हरसिमरत जरूरत महसूस हो रही थी इस प्लान की। चंडीगढ़ की जितने गल की जाए तो पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी है चंडीगढ़, सो उस चीज जी बिल्कुल ये जरूरत जो है वो काफी समय से यहाँ पर नजर आ रही थी, पर इसको लेकर के बहुत सारे हल जो है वो करने की कोशिश जरूर की जाए। जैसे कि हमने देखा कि चंडीगढ़ में हर जगह पर जो है वो कैमरा लगा दिए गए हैं, लाइटिंग का तो जो प्रबंध है वो है कि उसी के हिसाब से जो ट्रैफिक चलता है, पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक एक लाइट पर 3-3 बार कई बार तो रुकना पड़ जाता था, जिसको लेकर के ये चीज सामने आ रही थी कि जो व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था वो सुधरनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक या हम कहे कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक जाना है या अपने बिल्कुल साथ लगते, जैसे कि जीरकपुर की बात की जाए तो वो चंडीगढ़ से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं अगर पंचकुला की बात की जाए तो वो भी इतनी ही दूरी पर मौजूद है, तो वहाँ की जो कनेक्टिविटी है क्योंकि लोग जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, उनका काम यहाँ है, बिजनेस यहाँ है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ है, तो उनका जो व्हीकल वो यूज़ करते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ खड़ा रहता है, तो पार्किंग की समस्या हो जाती है, जब निकलते हैं पीक आवर्स हो जाते हैं, जैसे शाम को अगर 5 बजे की हम बात करें ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं, 2 बजे की हम बात करें जब स्कूल खत्म होता है, तो उस समय पर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेने आते हैं या फिर जो ट्रैफिक उस समय होता है तो उस समय घर पहुंचने में भी बहुत समय जो है वो लग जाता है, इसलिए सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए जो आज की मीटिंग है वो बिठाई गई है। जी बिल्कुल हरसिमरत, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर राइड्स की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें अगर बात करें तो देखिए 64 किलोमीटर का मुख्य बिंदु है जहां पर 2 फेज में मेट्रो का चलाने का सुझाव यहां पर दिया गया है। आपको बता दें राइड्स ने अपनी रिपोर्ट में और भी कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो दिए हैं, जैसे कि 2 फेज में 64 किलोमीटर के नेटवर्क पर मेट्रो चलाने की बात कही है, पहले फेज में सिर्फ चंडीगढ़ और दूसरे फेज में मोहाली और पंचकुला को भी साथ जोड़ने की बात है। पहले फेज के तहत चंडीगढ़ में 3 कॉरिडोर के साथ 44.8 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो चलाई जानी चाहिए।
जिसमें 16 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो अंडरग्राउंड, जबकि 28.8 किलोमीटर के एरिया में ये एलिवेटेड हो गई। ये मुख्य बिंदु है